दोस्तों तो हम बात करते हैं मशीन थ्योरी का क्वेश्चन है। तो हमने पहले आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था, हमने हेक्सा फ्रेम के बारे में बताया था, हेल्ड वाला जो इस प्रकार का रहता है, हमने इसके बारे में बताया था। अब हम आपको बताते हैं पावर सा वेंड सा जो मशीन आती है, पावर सा जो मशीन आती है, पावर सा ब्लेड का विशिष्टीकरण कीजिए। तो क्या है, सेम टू वही रहता है, लंबाई वही रहती है, चौड़ाई वही रहती है, लंबाई वही रहती है, चौड़ाई वही, मोटाई टाई, दांतों का अंतराल यानी कि पिच, ओके, उसी प्रकार रहता है। मगर फर्क इतना रहता है कि वो 300 मिलीमीटर था, अब ये क्या है, ब्लेड जो हमारा है ये हो गया 600 मिलीमीटर का। तो हमारा क्या है, लंबाई जो हमारी है 600 मिलीमीटर रहता है इसमें, ओके। पावर सा जो ब्लेड होता है, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन चलती है, मोटर से मशीन जो चलती है, उसका जो ब्लेड होता है वो हमारा 600 मिलीमीटर का होता है। तो चौड़ाई, चौड़ाई हमारी 4.5 मिलीमीटर है, जैसे कि चौड़ाई 4.5 मिलीमीटर रहती है, ओके। और हमारी जो मोटाई है, मोटाई हमारी रहती है 2.25 मिलीमीटर में रहता है, मोटाई हमारी 2.25 मिलीमीटर रहता है। और टाइप आल हार्ड या फ्लेक्सिबल, ये हमारा जो हो गया है आल टाइप जो हार्ड, इसके जो ब्लेड जो आते हैं, ये पावर से दूसरा मशीन होता है और दूसरा ऑटोमेटिक मशीन दूसरी आती है, ये अलग प्रकार की है। उसमें छोटा सा 600 मिलीमीटर का होता है और दूसरा जो आता है पावर सा मशीन, जो अब बैंड सा मशीन वो अलग आती है ऑटोमेटिक वाली, अब ये भी ऑटोमेटिक उस टाइम से अब आने लगती है। पहले वर्कशॉपों में इसी प्रकार की पावर सा मशीन प्रयोग किया जाता था, इसी प्रकार का जो हमारा 600 मिलीमीटर का जो ब्लेड लगता था इसी प्रकार होता था, जैसे कि हमारा 300 मिलीमीटर का ये वाला, उसमें क्या है 600 मिलीमीटर का लगता था। पहले वर्कशॉप में पहले यही प्रयोग किया जाता था, अभी होते हैं कहीं कहीं। तो क्या है कि मोटाई हमारी जो है 2.25 मिलीमीटर, आल टाइप, आल हार्ड या फ्लेक्सिबल रहता है। टाइप में, टाइप क्या है, आल हार्ड या फ्लेक्सिबल, जो हमारा ब्लेड है वो हमारा फ्लेक्सिबल रहता है। दांतों का अंतराल, जैसे कि हमारे दांतों का बीच का गैप तो कितना रहता है, डिफरेंट, ओके, तो हमारा 0.4 मिलीमीटर रहता है दांतों का अंतराल, ओके। तो आपने समझना किस प्रकार समझा दिया है, तो ये हमारा दांतों का अंतराल रहता है 0.4 मिलीमीटर रहता है। तो फिर से एक बार और बता देते हैं, जो हमारा है क्या, ये क्या, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं पेपरों में कि ब्लेड का पावर से ब्लेड का विशिष्टीकरण दीजिए। और जैसे कि हमने बताया था हेक्सा के बारे में, हेक्सा का इसी प्रकार ही आते हैं, सेम टू मोटाई चौड़ाई लंबाई लेंथ सभी वही रहता है, दांतों का अंतराल वही लिखित वही रहता है, फर्क इतना रहता है कि उसमें साइज अलग हो जाती है। ये हमारे क्या है पावर सा मशीन में, जो पावर सा मशीन में 600 मिलीमीटर का ब्लेड रखता है उसमें साइज पूरा चेंज हो जाता है, सेम टू वही रहता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई टाइप दांतों का अंतराल पिच सेम टू वही रहता है, सिर्फ हमारा ये साइज बढ़ जाता है। ऐसे ही हेक्सा फ्रेम में हमारी साइज कम रहता है हैंड वाले में, और पावर सा जो हमारा रहता है, ओके, उसमें क्या है साइज बढ़ जाता है। जय हिंद दोस्तों।